समाचार में हूँ देवांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच को लेकर मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी। सुशांत केस को लेकर जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर। महाराष्ट्र सरकार ने अब कंगना और पत्रकार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा के दो दिन के विशेष मानसून सत्र में कंगना और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। विशेष मानसून सत्र के दूसरे दिन शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक और कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने इस केस से जुड़े दो मुद्दों को सदन में उठाया। सुशांत केस को लेकर मीडिया में सरकार के खिलाफ की जा रही टिप्पणी को आधार बनाते हुए प्रताप सरनाईक ने न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी और कांग्रेस विधायक अशोक जगताप ने मुंबई को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधान परिषद में पेश किया, जिसे महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाईक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैंने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, इसके लिए समिति न होने की वजह से मैं ही आज इस प्रस्ताव पर फैसला करने जा रहा हूँ। एनसीपी नेता छगन भुजबल और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भुजबल ने कहा कि देश में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके कुछ नियम कायदे। विशेषाहनन प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंगलवार चल रहे सत्र का आखिरी दिन था। सदन में कोरोना महामारी और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। बीएमसी ने बुधवार को कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती। कंगना के साथ साथ अर्णब पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती, दोनों पर केस भी दर्ज हो सकता है। सदन के सामने उपस्थित होकर दोनों को आने वाले समय में माफी भी मांगनी पड़ सकती है।